नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं पीछे अपनी महाराजा एंट्री, पद्मावत, ये बॉल वाली क्राउन वाली एंट्री काफी है, और अभी जस्ट अभी काम भी चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने ये महाराजा एंट्री के ही सेटअप है। ये अपना सोफा रखा हुआ है और ये उसका बैक पैनल बन रहा है। चलिए अब जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा एड्रेस बता देता हूँ आपको। जो अपना गोडाउन है ये लूनी गाजियाबाद में, जो नियरेस्ट लोकेशन है अपनी सभापुर चौकी है। अगर जैसे कोई पार्टी अपना ऑल ओवर इंडिया से आती है तो जो उनके लिए नियरेस्ट लोकेशन है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। अपना जैसे नई दिल्ली हो गया, पुरानी दिल्ली या फिर आनंद विहार हो गया, वहाँ से अपने कनेक्टिविटी मिल जाएगी, मेट्रो की भी और बाय ऑटो भी आ सकते हैं। जो उनके लिए नियरेस्ट लोकेशन की बताना चाहूँगा मैं, ये अपना खजूरी गोल चक्कर है। खजूरी गोल चक्कर से अपने पुस्ता रोड पे ये अपना एड्रेस पड़ता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना महाराजा एंट्री से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं बैक अपना बैक पैनल जो लगा हुआ है, बैक डोर जिसे बोलते हैं, ये मल्टी कलर में आएगा। इसमें हमने गोल्डन और ब्राउन की शेडिंग दी है तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये अपना जो फोटो फ्रेम लगा हुआ वो देखिए। बाकी जो अपना सोफ़ा रखा हुआ है, सोफे में हम मल्टी कलर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी ये जो सोफ़ा रखा हुआ है रेड कलर में, फिर ग्रीन पट्टी दी गई है और उस पर अपना गोल्डन की फिनिशिंग में है। अब चलिए अपनी ट्रॉली की बात करें। यहाँ पे अपनी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही है, अपनी गोल्डन सीटें लगी हुई हैं। इसके जस्ट पीछे अपनी एक्रेलिक सीट लगी हुई है ताकि जब इसकी इंटरनल लाइटिंग लगे तो काफ़ी खूबसूरत दिखना चाहिए पीस। यानी कि इसमें मल्टी कलर की लाइटिंग लगी हुई है, उससे काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और इस पर अपनी 4x4 की रिवॉल्विंग है कि इस पर आप देखना देख सकते हैं सेम इसमें पैटर्न जो आ रहा है वो एज इट इज है। अब चलिए इसकी क्वालिटी की बात करते हैं, साइज की बात कर रहे हैं पहले हम। जो इसका साइज है हमने 5-6 का रखा गया ताकि कॉम्पैक्ट टाइप की ट्रॉली रहे और हम इसे लोड करें, अनलोडिंग या लोडिंग के टाइम पे इतना कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो इजीली लोड हो सके। और ये पूरा का पूरा पीस फोल्डिंग रहता है। और जैसे कोई पार्टी हमें बोले कि हमें और अदर कलर चाहिए तो कलर पॉसिबल है कि हम उसमें अदर कलर में दे सकते हैं। जैसे कि सामने देखते हैं ये रेड कलर का सोफा है और वहां पे देखिए आप अपना ये ब्राउन शेड में आएगा, जैसा पार्टी ने हमें बोला था उसी कलर में हमने किया है इसे। अब इसके प्राइसिंग की बात करते हैं। चलिए जो इसका हमने मैनुअल पे प्राइसिंग रखा गया है विदाउट लाइटिंग में, इसका जो प्राइस है अपना 14 इंची की यानी कि स्कूटर वाले पहिए के साथ, इसमें स्टेयरिंग लगा रहेगा, इसका जो एक बेस प्राइस रखा गया है वो 50,000 का यानी 50,000 का रखा गया है, जिसमें हम शीटें, अगर कोई पार्टी बोलते हैं हमें शीटें चाहिए तो शीटें रहेंगी, बोलती है फाइबर चाहिए तो फाइबर रहेगा। बाकी ज्यादातर जो पोर्शन चलता है एज इट इज चलता है। ये जो ट्रॉली का बेस मेन थीम इन्हीं से है। अब बात करें इसमें जैसे अगर कोई पार्टी बोलते हैं, हाँ जी जो मैंने आपको बताया मैनुअल में रिवॉल्विंग में मोटर रहेगी, रिवॉल्विंग तो रहेगी एज इट इज, बाकी ट्रॉली भी जो पुश सिस्टम पे रहेगा स्टेयरिंग रहेगा। अगर जैसे कोई पार्टी बोलते हैं हमें नीचे भी एसी मोटर चाहिए जो अपना रिवर्स और फॉरवर्ड हो सके, स्टेयरिंग अपना मैनुअल रहे, उसके लिए बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि आप इसे वैसे स्टेयरिंग पोर्शन पे चलाएंगे तो इसमें अपने पास एक ऑप्शनल रहता है कि एक अपनी जो रिवर्स फॉरवर्ड के लिए उसमें मोटर लग जाएगी, वो अपना अपना गियर और मोटर से इसे ऑपरेट कर सकता है लेफ्ट और राइट, सॉरी रिवर्स और फॉरवर्ड। और जैसे कि अगर उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है तो इसकी जो कॉस्टिंग है उस समय अपना एसी मोटर लगने के बाद और इसमें गियर लगने के बाद इसकी कॉस्टिंग जो जाएगी वो 60,000 है। और अगर लाइटिंग भी साथ में लेते हैं तो 65,000 हो जाएगा। अगर रिमोट सिस्टम पे बात करें तो रिमोट सिस्टम पे इसकी जो कॉस्टिंग है अपनी 75 है और बाकी लाइटिंग तो सारा कवर रहेगा। जो बैक डोर की लाइटिंग रहती है वो पूरी कंप्लीट रहेगी। अगर कोई पार्टी बोलती है हमें लाइटिंग नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि लाइटिंग नहीं जाएगी तो उसकी सेटिंग नहीं मिलेगी, सेटिंग तो इसमें पूरे में करा जाता है ताकि अगर बाय चांस पार्टी बोलती है हमें लाइटिंग खुद कर लेंगे तो वो खुद भी कर सकती है। चलिए ये तो हो गया पूरा पोर्शन रिमोट सिस्टम में, मैनुअल में हर तरह का मैंने आपको बता दिया किस तरह इस पोर्शन पे ये अटैच रहेगा। अब चलिए पद्मावत की बात करें। पद्मावत का जो बेस प्राइस है अपना 35,000 है। सिर्फ 35,000 में पूरी ट्रॉली आ रही है अपनी 7x7 की, इसकी ट्रॉली है, चौकी रहेगी, अपना पद्मावत का पूरा सेटअप रहेगा और इसमें अपने 8 इंची के पहिए रहेंगे जो 360 रोटेट कर सकते हैं पुश सिस्टम में। अब मैं बात करूं इसमें जैसे कि कोई पार्टी बोलती है हमें स्कूटर व्हील में चाहिए,
यानी कि स्कूटर व्हील में स्टेयरिंग के साथ, इसमें थोड़ी कॉस्टिंग इंक्रीज होती है। देन उसकी जो कॉस्टिंग आएगी अपनी 45,000 की है, यानी कि आप स्टेयरिंग से इसे मूवमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि रिवर्स सिस्टम की बात करें एसी मोटर पे, अगर एसी मोटर पे रिवर्स सिस्टम चाहिए यानी कि अपनी ट्रॉली आगे पीछे हो सके, स्टेयरिंग से अपना लेफ्ट राइट हो सके, देन इसकी जो कॉस्टिंग आएगी अपनी 55,000 की है। और अब रिमोट सिस्टम पे बात करें, रिमोट सिस्टम पे जो इसकी कॉस्टिंग आएगी रिमोट सिस्टम पे, यानी कि आप इसे रिवर्स फॉरवर्ड लेफ्ट राइट रोटेट भी कर सकते हैं 360, देन इसकी कॉस्टिंग 75 है। अपने पास क्राउन वाला पीस भी आएगा। चलिए आपको मैं और आइटम भी दिखाता हूँ गोडाउन में, जो अपना कॉर्नर में रखा हुआ है वो अपनी कमल जयमाला स्टेज आएगी, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोलिक मशीनों का भी काम होता है, इवन और आइटम भी। अब इसका कलर देख सकते हैं, जो हमने अभी दूसरे शेड में कलर किया है तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि जैसे कोई पार्टी हमें बोलेगी ना कि हमें इस कलर में चाहिए तो उस कलर में हो सकता है। ये अपनी कमल जयमाला स्टेज आएगी। ज्यादा अगर अपना यूपी बिहार में ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आती है तो मैं उसी हिसाब से आपको बता पा रहा हूँ। इस पे अपना जैसे कंप्लीट सेट रहता है, जीना रेलिंग, साइड बाउंड्री, मशीन का कपड़ा, फ्लावर मशीन, ये सारा कुछ इसमें आइटम रहता है। और इसमें आप चाहें तो डायमेंशन के हिसाब से जैसे एडजस्ट करना चाहते हैं कस्टमाइज हो जाएगा। इस पे अपना ना रिंग वाला सिस्टम भी आ सकता है, यानी कि रिंग वाला पीस भी लग जाएगा, अपना दिल वाला पीस भी लग जाएगा। चलिए मैंने बाकी आइटम तो आपको कवर करा दिए हैं। अगर जैसे कोई पार्टी हमसे कस्टमाइज कराती है कि हमें इस तरह कोई और तरह की ट्रॉली चाहिए या फिर कमल जयमाला स्टेज चाहिए, हाइड्रोलिक मशीन चाहिए, तो हम उस पर कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।